मनी थीफ वर्सेस पुलिस। एक गांव में रामू और सोमू नाम के दो युवक रहते थे। वे दोनों चोर थे। वे लोगों के जेब काटते थे, उनके मोबाइल चुराते थे, औरतों के गले से चेन खींच कर ले जाते थे और घरों में घुसकर चोरी करते थे। जब पुलिस उनका पीछा करती, ये तेजी से भाग जाते थे। वो दीवारें फांदकर घर के छतों पर दौड़ते हुए वहां से भाग जाते थे। पुलिस उनका मुकाबला कर नहीं पाती और सिर पकड़ कर रह जाती। एक दिन वे दोनों बस स्टैंड के पास पहुंचे। वहां एक बूढ़ा बस की प्रतीक्षा कर रहा था। रामू ने उसे बातों में उलझाया। पीछे से सोमू ने आकर उसका बटुआ मारा। अगले दिन रामू और सोमू अखबार पढ़ रहे थे। अखबार में एक खबर पढ़कर दोनों दंग रह गए। सोमू, यार तुमने ये खबर पढ़ा? कल हमने जिस बूढ़े का बटुआ मारा था, उसने तालाब में कूदकर खुदकुशी कर ली। जानते हो वो कौन थे? ये बचपन में हमें कबड्डी सिखाने वाले शुभम सर थे। रामू, हाँ यार, मुझे भी लग रहा था कि मैंने इन्हें कहीं देखा है। बचपन में देखा था, इसीलिए पहचान नहीं पाया। सोमू, यार वो बहुत अच्छे आदमी थे। बचपन में हमारे साथ मिलजुल कर रहते थे। तुझे याद है, उनका बेटा रंजीत हमारे साथ खेलता था। रामू, हाँ यार याद है। शायद हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। चलो उनके घर जाकर एक बार देख आते हैं। इस तरह दोनों उनके घर गए। वहाँ शुभम सर के फोटो की ओर देखते हुए उनकी पत्नी और बेटा रंजीत दुखी हो रहे थे। रामू और सोमू गए और अपना परिचय रंजीत को दिया। रंजीत, अच्छा भाई, बहुत दिन हो गए तुमसे मिलके। तुम दोनों ठीक तो हो ना? हर महीने पेंशन लाने के लिए बाबूजी शहर जाते थे। कल दो कमीने चोरों ने उनका बटुआ मार लिया। पता नहीं क्यों कई दिनों से पिताजी परेशान थे। ये उनसे बर्दाश्त नहीं हुई और उन्होंने आत्महत्या कर ली। उनकी खुदकुशी का जो भी कारण हो, भगवान उसे छोड़ेगा नहीं, कहकर दुखी हो रहा था। इन दोनों के मन में वो बात चुभने लगी। बाद में दोनों मंदिर गए और भगवान के सामने उन्होंने प्रण लिया कि आइंदा वो चोरी नहीं करेंगे और अच्छे मार्ग पर चलेंगे। उस दिन से वो एक मिस्त्री के पास मजदूरी का काम करने लगे। वो सीमेंट की बोरियां उठाते, ईंट उठाते, ऐसा काम करते थे। उस गांव का सारा पानी उस गांव के एक तालाब में जाता था। गांव का सारा गंदा पानी दो बड़े पाइपों द्वारा तालाब में गिरता था। एक दिन रामू और सोमू वहां से गुजर रहे थे, तब उन्होंने देखा कि तालाब में रुपयों के बंडल तैर रहे थे। तब दोनों तुरंत तालाब में उतरे और नोटों की जांच की, तो उन्होंने देखा कि रुपयों का बंडल एक पाइप से गिर रहा था। तब रामू, ये क्या यार, ये रुपयों के बंडल इस पाइप से क्यों आ रहे हैं? अंदर क्या होगा? तब सोमू, हाँ यार, यही बात मेरे समझ में नहीं आ रही। चलो अंदर जाकर देखते हैं कि माजरा क्या है। यूं दोनों उस पाइप में रेंगते हुए अंदर चले गए। वहाँ उन्होंने देखा कि एक जगह पाइप में छेद हुआ था और उस छेद में से रुपयों के बंडल आ रहे थे। वो उस छेद के अंदर घुस गए और वहाँ से दूसरे पाइप में चले गए। यूँ रेंगते रेंगते वो एक अंडरग्राउंड घर के अंदर पहुँच गए। वो सारा घर रुपयों के बंडलों से बना था। जहाँ देखो सोना और हीरे पड़े थे। वहाँ एक पुलिस ऑफिसर और कुछ चोर थे। पुलिस वाला, ए बब्बर, हमने जो चोरी का माल यहाँ छुपाया है, अब इसे यहाँ रखना सुरक्षित नहीं है। इसे कहीं और ले जाना होगा। बारिश के मौसम में पानी अंदर आ जाता है और सारे नोट भीग जाते हैं। तब बब्बर, एसआई साहब, आजकल पुलिस हमारी बहुत तलाश में है। हम कुछ दिन और रुक जाते हैं और सुना है जो नया जिला कलेक्टर आया है वो भी बहुत ईमानदार और सख्त है, उनसे जरा होशियार रहना होगा। तब एसआई, अरे उसे छोड़ो, मैं मंत्री जी से कहकर उसका ट्रांसफर करा देता हूँ। ये सब कुछ रामू ने सेल फोन पर वीडियो बनाया। बाद में उसने वो वीडियो और लोकेशन कलेक्टर को भेजा। बस थोड़ी देर में पुलिस वहाँ पहुँची और पाइप द्वारा रेंगते हुए अंडरग्राउंड हाउस पर पहुँची। उन्हें देखकर चोर घबरा गए। बाद में पुलिस ने इनाम के पैसे रामू और सोमू को दिया। रामू और सोमू ने वो पैसे ले जाकर रंजीत के परिवार को दिया।